सो हेलो गाइस, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डीएचई की तरफ से। डीएचई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, जो कि आपके कॉलेज एडमिशंस कंडक्ट करवाता है। सो गाइस, डीएचई ने जो है 2022-23 सेशन के लिए कॉलेज एडमिशंस का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एडमिशंस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। उसके बाद फर्दर जो है आपको डिटेल्स मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिसको भी यूजी कोर्स लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इनमें एडमिशन लेना है 12th के बाद किसी भी कॉलेज में हरियाणा के, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट हो या फिर दोनों का मिक्सअप हो यानी कि एडेड कॉलेज हो, सभी के जो एडमिशन्स है वो डीएचई ही करवाएगा। और नोटिफिकेशन निकाल दिया है, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। पहले मिशन एडमिशन, कॉलेजों में यूजी कक्षाओं में ऑनलाइन एडमिशन को 1 अगस्त से खुलेगा पोर्टल। यानी कि जो यूजी कोर्स होते हैं लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उनके लिए 1 अगस्त से एडमिशन के लिए पोर्टल खुल जाएगा। यानी कि 1 अगस्त से आप जो है ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको जो है एक कटु सत्य बताऊँगा आखिरी में वीडियो के। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लड़कियों को 50 रुपये और अन्य स्टूडेंट्स को 100 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस देनी होगी। यानी कि जो लड़कियां हैं उनको 50 रुपये और जो लड़के वगैरह हैं उनको 100 रुपये, लेकिन जो हरियाणा के एससी स्टूडेंट्स हैं उनको भी 50 रुपये ही देने हैं। ठीक है, समझ गई। अब यहां पर देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं के परीक्षा परिणाम के नतीजे आ चुके हैं। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट लेट आने के कारण इस बार यूजी कक्षाओं में एडमिशन प्रोसेस देरी से शुरू हुई है। यानी कि आपकी जो प्रोसेस है वो लेट स्टार्ट हुई है, इसीलिए सारे काम अब जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, लगभग 15 दिन का टाइम मिलता था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपका जो टाइम रहेगा यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 से 8 अगस्त, यानी कि आपको 8 दिन का टाइम मिलेगा सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद 2 से 9 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 12 अगस्त को। फिर 13 से 16 अगस्त तक जिस भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आ जाएगा उसकी फ़ीस जमा होगी। फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी 19 अगस्त को। उसके बाद 20 से 23 अगस्त तक जिसमें भी या कहें कि जिसका भी उस लिस्ट में नाम आ जाएगा उसकी फ़ीस जमा होगी। फिर 26 अगस्त को ओपन काउंसलिंग होगी। ठीक है, लेकिन अब एक कटु सत्य बताता हूँ गाइज, हर साल क्या होता है, एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन निकल जाता है, डेट्स भी आ जाती हैं कि भाई इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा, लेकिन डीएचसी की वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाती है और पूरा का पूरा शेड्यूल बदल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी इस साल भी ऐसा ही हो। तो जो भी नोटिफिकेशन आगे आएगा, डेट्स चेंज हो सकते हैं, क्या पता 2 तारीख को ही कर पाएँ आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई, 1 तारीख को हो ही ना, वेबसाइट ना चले, तो पूरा का पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर बदल जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आपकी, मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊँगा। सो गाइज, अब तक की अपडेट के अनुसार 1 अगस्त से आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। और 1 अगस्त को देखना ये होगा कि वेबसाइट चलती भी है या नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि पिछले साल की मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग जैसे उन्होंने कहा था कि 26 से एडमिशन स्टार्ट होंगे तो 28 से स्टार्ट हुए, 2 दिन उनकी वेबसाइट ही नहीं चली। ठीक है, यानी कि मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शेड्यूल है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू सरकमस्टांसिस। तो गाइज, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, वैसे इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें एक एक पॉइंट के ऊपर खुल के बात करेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो होगी वो। आज जो है इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एडमिशन का नोटिस आ गया है, आपका जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हो, इसमें जो है बताया गया है कि कब क्या होगा, कौन सी डेट को जो है यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो 1 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, 8 अगस्त। इसके बाद जो है 2 से 9 अगस्त तक साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी, उसके बाद उसकी फ़ीस जमा होगी, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद उसकी फ़ीस जमा होगी। और अब की बार सिर्फ 2 ही मेरिट लिस्ट आएंगी, ये भी एक सरप्राइजिंग यहाँ पर जो है बात मुझे लगी। ठीक है, 2 ही आएंगी, इसका मतलब कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। एक बार फिर से बता देता हूँ, एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 अगस्त से आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो जो है नोटिफिकेशन के ऊपर आपको जो है 1-2 दिन में मिल जाएगी, जिसमें हम जो है आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे कि भाई किस डेट को क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कहाँ फॉर्म भरना है, कौन से तरीके से फॉर्म भरना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल के स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियाँ कर दी थी जिसकी वजह से
जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन रुक गए थे और जिनकी कम परसेंटेज थी उनके एडमिशन हो गए थे, ठीक है। तो आपको गलतियां नहीं करनी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपके एडमिशंस जो है उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। फुल डिटेल्ड वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए, बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।